अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। फाजा आप लोगों के लिए लेके आ चुका है कौन व्लॉग, ओके नई वीडियो। चौधरी भाग के आ गया पीछे से। हम फिलहाल जा रहे थे मेट्रो में सफर करने लगे थे। राज का पहला एक्सपीरियंस है और मेरा ये फर्स्ट टाइम है मेट्रो पे। आए हाय ते खुश रह रहे हैं दिवाली के लिए। चौधरी साहब बता रहे थे कि चौधरी का पहला एक्सपीरियंस है, मेरा पहले हो चुका है। हमने जाना है उस जगह पे मेट्रो में, लेकिन फिलहाल ये जो है ना अंडरग्राउंड। मैंने कहा ये भी आप लोगों को दिखाए ना, ऐसी बात नहीं है यार चौधरी। अंडरग्राउंड यार, अंडरग्राउंड जल्दी चल, जल्दी कर। एक एक चीज छोटी सी छोटी बड़ी से बड़ी चीज आपको दिखाएंगे। उधर से आ जाए ये, वाह जी वाह, माशाल्लाह। टिकट ऑफिस प्लेटफॉर्म, क्या बात है चौधरी यार। वो साथ वाली चिड़िया इन्होंने क्यों नहीं चलाई हुई, बिजली नहीं होती। चौधरी कल कह रहा था एलिगेटर एलिवेटर को। यार यकीन कर लें, लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने कोई भी टूर इतना ज़्यादा इंजॉय किया। क्यों? क्योंकि मेरे साथ चौधरी है, चौधरी को भी बहुत मज़ा आया। चौधरी बता। और ये हम दोनों का इकट्ठा पहली दफ़ा हम आए हैं, मतलब इस तरह वो कोई बंदे ही नहीं। अच्छा जहाँ भी हम जाते हैं ना मस्कून माहौल हो जाता है। इधर बोर है, इतनी आवाज़ गूंज रही है ना, हम रश डाल देते हैं, हम रश पा देते हैं, हम अन्नी डाल देते हैं चौधरी। वो पर लिखा हुआ कि राइट साइड पे है टिकट ऑफिस और प्लेटफॉर्म जो है वो लेफ्ट साइड पे है, वो ऊपर एलिवेटर वो चाह रहा है। तो सब लेना टिकट ये लें। हाँ पहले ये हम ये डिसाइड कर लें यार। तकरीबन एक घंटे के लगातार सफर के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं कमेटी चौक यानी कि रावलपिंडी। इस्लामाबाद से अब हम एंटर हो चुके हैं रावलपिंडी के अंदर, और आप इधर आपको कोई रौनकें नजर आएंगी। सही अल्लाह गुल्ला वो टाइप होगा यहाँ। इस्लामाबाद थोड़ा वो और सीन होता है, पिंडी में थोड़ा और सीन होता है अपना। अच्छा अब हम रावलपिंडी के अंदर आ तो गए हैं, लेकिन सीरियसली हमें पता नहीं है कि हमने जाना किधर है, करना क्या। बस पहुंच आए हम, लेकिन हमारे जहन में ये था कि हमने आना और हम आ गए। सारी हमें अपनी अपनी फील आ रही है। हाँ इधर थोड़ा वो इस्लामाबाद वाला माहौल जरा चेंज हुआ है, पिंडी का एक अपना माहौल है। पिंडी है बाबा जी पिंडी। तो अब हम जाएंगे कोई स्ट्रीट फूड टाइप जो है ना वो देखेंगे, कोई स्ट्रीट फूड चेक करेंगे, कोई सही साना कोई खाने छाना। थोड़ा सा भूख भी लगी हुई है, सफ़र भी किया, पूरा घंटा लगा मेट्रो में मैं वो किधर से किधर आए। लेकिन यार मेट्रो फिट सीन है, 60 रुपया दिया उधर से इधर उसने उतार दिया दूसरे को, उन्हें यही बताएं ना। आप लोग भी जब इस्लामाबाद आएँ पिंडी आएँ मेट्रो में बैठें, बड़ा चीप है यार, बहुत सस्ता पड़ता है। उबर क्रीम वाले लूट लेते हैं भाई, लूट लेते अच्छा, हैं। हम आए हैं आज मेट्रो में बैठे हैं, पहले हम उबर क्रीम ही करते रहे हैं, लेकिन उन्होंने तो हर चीज़ ले दी। हाँ चले फिलहाल हम ना निकलते हैं, कोई ना इनसे पूछते हैं फूड स्ट्रीट कौन सी तरफ है, फिर वहाँ चलते हैं कहीं। यार बंदा पिंडी आए और लाल हवेली ना जाए, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है ना। आप मेरे पीछे देख सकते हैं लाल हवेली मौजूद है मेरे पीछे। हम अंदर गए हैं, यकीन करें उन्होंने हमें अंदर भी जाने दिया। तो उन्होंने बताया कि शेख साहब मौजूद नहीं है, अगर शेख साहब मौजूद होते वो हमारे से मुलाकात ज़रूर करते। मैंने कहा यार वैसे ही एक साथ से स्टार्ट के ना, अगर 2 मिनट उन्होंने अपने कीमती दे दिए तो मज़ा आ जाना था। लेकिन फ़िलहाल हमने पता किया ये लाल हवेली है, शेख साहब अंदर कोई नहीं है, होते तो स्वाद आ जाना था। फ़िलहाल हमने जाना है राजा बाजार, और ये है राजा बाजार का सबसे मशहूर चौक फवारा चौक, और इस तरफ से शुरू हो जाता है राजा बाजार। और चौधरी की और मेरी हम दोनों की जो हालतें हैं ना वो बिल्कुल गैर हो चुके हैं पसीने से, और सफ़र कार करके ना थक चुके हैं। लेकिन हम लोग आपके लिए वीडियो बनाएंगे और आपको थोड़े सीन दिखाएंगे राजा बाजार के। ये राजा बाजार है और इसमें यार अच्छी खासी यानी कि ज़्यादा दुकानें हैं। ओए होए शोर जो है ना इस्लामाबाद से जब बंदा पिंडी की तरफ आता है ना तो एकदम माहौल चेंज हो जाता है। वो कहते हैं सारा सिस्टम बदल दिया है, ये वो वाला हो जाता है, सारा सिस्टम बदल जाता है इस्लामाबाद और रावलपिंडी में। अच्छा खासा फ़र्क है दोनों शहरों में, पिंडी पिंडी है फिर सही बात है, हंगामे है, शुगल है, रौनक है। यहाँ इस्लामाबाद जरा ना जैन डिसेंट सा शहर है, सही बर्गर माहौल यार मजाक कर रहा हूँ। लेकिन फिलहाल ये देख लें सीन्स आपकी आंखों के सामने हैं,
हम बस रोड पे क्यों जा रहे हैं, इधर आना, इस साइड पे चलते हैं। ये देखे ना थोड़ा सा नीचे से ध्यान से जी साहब, चौधरी जो है ना थोड़ा सा लेना क्या है मुझे तो ये नहीं। तू थका वाली ना, ना। पक्की बात है, स्टैमिना है तेरे अंदर भी। चल फिर चुप करके ना चलता रहा, देखता रहा आसपास ना, ध्यान रखी कोई अच्छी चीज आई ना, जहाँ जो पसंद आई ना उसे रोक रहो वो चीज ले लें। तो यार ये राजा बाजार, और यहाँ राजा बाजार में ना होल सेल की चीजें जो है वो काफी ज्यादा, यानी कि आम शॉपिंग के लिए भी चीजें हैं लेकिन होल सेल का जो स्टॉक है वो यहाँ बहुत ज्यादा है राजा बाजार के अंदर पिंडी में। फिलहाल हम ढूंढ रहे हैं खाने पीने की चीज़, क्योंकि हमें भूत बहुत सख्त टाइट किस्म की लगी हुई है। ओ यार स्कैम ये हुआ है कि चौधरी की जो सैंडल है ना वो टूट गई है, और रश जो है ना वो क्या ही बताएं आपको। ये देखें ना, ये देखें हम यहाँ पर आ गए हैं। उन्होंने बताया कि यही अच्छी जगह है जहाँ से मतलब आपको अच्छा खाना मिलेगा, तो हमने पुलाव मंगवाया और साथ कोरमा। इट्स पुलाव चीसा, पुलाव और कोरमा। पुलाव यार, पुलाव हमने मंगाया ठीक है, और साथ कोरमा। और भूख जो है चौधरी की ना आंखों में साफ नजर आ रही है, और मेरी तो हालत ही खैर वैसी हुई है ना फुल। मैं यार क्या बताऊँ, शोर जो है ना बहुत ज़्यादा बता रहे हैं। हमने तकरीबन घंटे से ज़्यादा वॉक किया, उसके बाद हमने घंटे से ज़्यादा मेट्रो में उधर सफ़र किया है, हालत टाइट हुई है। मैं कहता हूँ खराब, ऊपर से मेरे शूज भी टूट गए। हाँ चल कोई बात नहीं, खाना हाल है, खाना आपको थोड़ा सा दिखाएंगे ना, दिखाएंगे आपको जरूर ठीक है, उसके बाद फिर हम लॉक खत्म कर देंगे। नॉट अ बिग डील यार, आ लेना खाना हाल है। फिलहाल खाना आ गया है, और पता नहीं हम वीडियो कैसे बना रहे हैं क्योंकि जो भूख से हालत हुई है खराब। अभी हम खाना खाएंगे, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे। ये है यार खाना, ये पुलाव है ठीक है, साथ चिकन बोटी भी दी है, टिक्की भी दी है, ये कोरमे की हालत देख लो, ये सैलेड है। देसी फूड है, अगर दूसरा था तो हमने कहना था बर्गर। बर्गर हाँ बर्गर। फिलहाल खाना जाना खाते हैं, इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ख़त्म, आराम से तसल्ली से खाना खाते हैं ठीक है। मैं ये कहूँगा कि इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। फाजा होता फरार आपको मिलेगा कल आपको एक नई वीडियो के साथ।